गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, दे ओरिजन एंड फंक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स? सो दिस मेम्ब्रेन्स आर फॉर्म्ड आउटसाइड द एम्ब्रियो फ्रॉम द ट्रोपोब्लास्ट ओनली इन एम्नियोट्स एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। एम्ब्रियो के आउटसाइड में बनती है, ट्रोपोब्लास्ट से इनका फॉर्मेशन होता है, एम्नियोट्स में पाई जाती है और इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। एमनियोट्स में कौन आते हैं? तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो फोर टाइप्स की होती है। ये मान लीजिए कि एक एम्ब्रियो है, ये जो फर्स्ट मेम्ब्रेन है ये होती है एमनियोन। यहाँ पे एक सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो होता है योक सेक। एलेंटोइस भी सिमिलर स्ट्रक्चर का होता है, ये एलेंटोइस। फोर्थ मेम्ब्रेन जो होती है वो कोरियोन, तो कोरियोन जो होती है वो सबसे आउटर मोस्ट साइड में प्रेजेंट होती है और ये जो विलाई स्ट्रक्चर है इसको कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्पफुल करती है और उससे गैसियस एक्सचेंज और मदर और एम्ब्रियो के बीच में गैसियस और न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नाउ फर्स्ट मेम्ब्रेन इज योक सैक। तो ओरिजिन और फंक्शन क्या है योक सैक का? तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ स्प्लेंक्टनोप्यूर। स्प्लेंक्टनोप्यूर क्या होता है? वो टिश्यूज और वो ऑर्गन जिनका डेवलपमेंट इनर एंडोडर्म और आउटर मेसोडर्म के थ्रू होता है। और ये योक सैक जो वेल डेवलप्ड होता है किन किन में? बर्ड्स, रेप्टाइल्स और प्रोटोथेरियंस, जो जिनमें पॉलीलेसिथल एक पाया जाता है उनमें ये वेल डेवलप्ड होता है। इट इज मेनली डाइजेस्टिव इन फंक्शन, सो इट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट। इसका फंक्शन क्या है? डाइजेस्टिव फंक्शन है। ये एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट के जैसे काम करती है। ये क्या करती है? इट ऑल्सो एब्जॉर्ब द डिजोल्व्ड योक एंड पास इट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डिजोल्व्ड योक को एब्जॉर्ब करती है और डेवलपिंग एम्ब्रियो को पास कर देती है। ह्यूमंस में योक सैक वेस्टिजियल है, यानी नॉन फंक्शनल है, क्योंकि ह्यूमंस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट विद इन मदर ही होता है, तो न्यूट्रिशन भी प्लेसेंटा के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी अपन ने देखा योक सैक। ये योक सैक, इसमें योक फील्ड होता है। नाउ सेकंड इज एमनियोन। ये जो लेयर है ये वाली ये क्या है? एमनियोन। ये जो एमनियोन है इसका ओरिजिन देखे तो इट इज इनर मोस्ट फोल्ड ऑफ सोमेटोप्यूर। सोमेटोप्यूर वो टिश्यूज होते हैं जिनका ओरिजिन इनर एक्टोडर्म है और आउटर मेसोडर्म से मिलकर होता है, अबोव द एम्ब्रियो। बिटवीन द एमनियोन एंड एम्ब्रियो देयर इज ए एमनियोटिक कैविटी। ये जो कैविटी देख रहे हैं ये क्या है? एमनियोटिक कैविटी। तो ये जो एमनियोटिक कैविटी है इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, उसको अपन बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है? एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। किससे? तो फ्रॉम शॉक, और ये शॉक एब्जॉर्बर के जैसे काम करता है और डेसिकेशन को प्रिवेंट करता है। डेसिकेशन क्या होता है? कि अगर वाटर और अगर हाइपोटोनिक सिचुएशन बन जाए तो सारा वाटर अगर बाहर निकल जाएगा तो एम्ब्रियो बिल्कुल सुपर ड्राई हो जाएगा और फिर वो डेवलप नहीं हो पाएगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ये फ्लूइड काम करता है। नाउ थर्ड लेयर इज एलेंटोइस। ये तो हो गई एमनियोन, ये हो गया योक सैक और ये हो गई थर्ड लेयर जिसको अपन बोलते हैं एलेंटोइस। तो ओरिजिन क्या है? स्प्लेंक्टनोप्यूर डेवलप्ड फ्रॉम द हिंड गट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के हिंड गट से इसका डेवलपमेंट होता है। वेल डेवलप्ड पाई जाती है किनमें? एमनियोट्स, जो जिनमें पॉलीलेसिथल टाइप का एग होता है। एग्जांपल है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड प्रोटोथेरियंस। ये क्या काम करती है? तो स्टोर द नाइट्रोजिनस वेस्ट ऑफ द एम्ब्रियो, सो एक्ट एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी। योक सैक जो था ये कैसे काम करता था? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट। एलेंटोइस जो है ये कैसे काम करता है? तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी। इन मोस्ट ऑफ यूथेरियंस इट कंबाइंस विथ कोरियोन टू फॉर्म
एलेंटोकोरियोन विच टेक्स पार्ट इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन। कुछ एजेंट्स में क्या होता है कि एलेंटोइस और कोरियन मिलके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं, उसको एलेंट्रिक प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। इट इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमन बींग्स। लास्ट लेयर है कोरियन, ये क्या होती है, ये कोरियन लेयर है आउटर मोस्ट में और पूरे एम्ब्रियो को सराउंड करके रखती है। और ओरिजिन देखें तो इट इज आउटर मोस्ट फोल्ड ऑफ सोमेटोप्लियोर एंड सराउंड द एम्ब्रियो इन रेप्टाइल्स बर्ड एंड प्रोटोथेरियंस। रेप्टाइल्स बर्ड और प्रोटोथेरियन में एलेंटो कोरियन टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है, जो काम कैसे करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो भी अपन ने पहले बात करी थी, जो ऐसे लंग्स काम करता है, वर्क एज एम्ब्रियोनिक लंग एंड हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। बट इन प्राइमेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग ओनली कोरियन फॉर्म द प्लेसेंटा। ह्यूमन्स में क्या होता है, ये सिर्फ कोरियन जो है वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है, उसे अपन कोरियोनिक प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। बाकी यूथेरियंस में क्या होता है, एलेंटोकोरियन टाइप की प्लेसेंटा पाई जाती है। ये डायग्राम फुल्ली रिप्रेजेंट करता है ऑल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। तो ये जो है ये कौन सी लेयर है, एम्ब्रियोन एमनियोन की, ये एमनियोन लेयर है, ये एमनियोन कैविटी है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये क्या है, तो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो की गट है, ये आउटर मोस्ट लेयर है कोरियन, और एमनियोन और कोरियन के बीच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम यानी कैविटी प्रेजेंट होती है। ये जो है ये क्या है, योक सेक, ये मिजोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर बना है। ये जो सेकंड वाला पॉकेट जैसा दिख रहा है ये है एलेंटोइस, जो एंडोडर्म और मिजोडर्म से मिलकर बना है। ये है एक्टोडर्म और मिजोडर्म। ये प्लेसेंटा की कोरियोनिक विलई है जो ये प्लेसेंटा फॉर्म करती है, ये कोरियोनिक विलई है जो एज ए लंग्स काम करती है, एम्ब्रियोनिक लंग। थैंक यू।